आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप, हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी कभी खुद को पप्पू बताया करते थे, तो वहीं अब खुद कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। जिसे आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी है ही नहीं, तो फिर ये शख्स कौन है? कौन है ये शख्स जिसके दम पर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही है? इन तमाम सवालों का जवाब साल 2022 के अक्टूबर महीने में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दिया था, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन है और ये दिखाता है कि असली राहुल गांधी सामने आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नए राहुल गांधी हैं, बल्कि असली राहुल गांधी दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाले राहुल गांधी असली राहुल गांधी नहीं थे? इस यात्रा के बाद अगर राहुल गांधी की छवि बदली है तो इसके पीछे कौन है? जिन राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ता था, क्या वो राहुल गांधी वाकई बदल गए हैं? ये तेवर, ये सियासी प्रहार, ये संसद में दहाड़, ये वो राहुल गांधी नहीं है जिनके बयानों का बीजेपी कभी मजाक उड़ाया करती थी कि राहुल गांधी तो आलू से सोना बनाते हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो संसद में सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो सांसदी जाने पर भी सरकार की नाक में दम कर देते हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बार मैं मन बना लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। जिस बीजेपी के लिए राहुल गांधी कभी कॉमेडी मटेरियल बन गए थे, उसी बीजेपी की सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने वाले राहुल गांधी के तेवर में आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सबसे बड़े सवाल का जवाब है स्टेफनी कटर। इन तस्वीरों में जो ये महिला दिख रही है, ये महिला कोई और नहीं स्टेफनी कटर है, और यही वो महिला है जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मेज में आए जबरदस्त बदलाव के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने साल 2021 में इसी महिला से अमेरिका में मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनकी इमेज में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। और ये महिला कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से साल 2014 में मोदी को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर को भारत का जबरदस्त चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, उसी तरह से स्टेफनी कटर अमेरिका की एक बड़ी चुनावी सलाहकार है, जिन्होंने साल 2012 में अमेरिका के चुनाव के दौरान वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी काम किया था, और डिप्टी कैंपेन मैनेजर के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए बराक ओबामा को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाने के एक सफल मिशन के बाद स्टेफनी कटर मार्च 2013 में भारत के दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली में स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की थी और उन्हें सोशल मीडिया कैंपेन पर जोर देने के लिए कहा था, लेकिन टीम राहुल ने उस वक्त इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया।
तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी ने सोशल मीडिया का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, जिसने बीजेपी की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी के बाद से कांग्रेस ने भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी वो इस मामले में बीजेपी से बहुत पीछे नजर आती है। साल 2013 में कांग्रेस ने जिस स्टेफनी कटर की सलाह को इग्नोर किया था, सूत्रों के मुताबिक उन्हीं से साल 2021 में एक बार फिर राहुल गांधी ने मुलाकात की। इस बार ये मुलाकात अमेरिका में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मुलाकात के दौरान स्टेफनी कटर ने राहुल गांधी को एक सलाह दी थी कि हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश ना करें, आप अपना एक स्टैंड रखें और उस पर कायम रहें। कहते हैं अमेरिकी चुनावी सलाहकार स्टेफनी कटर का दिया यही मंत्र आज राहुल गांधी की इमेज में आए बदलाव की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी एक तरह से जिद वाली राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। यानी मोदी सरकार पर राहुल गांधी कोई भी आरोप लगाते हैं तो उस पर अड़े रहते हैं, पीछे नहीं हटते। फिर वो चाहे संसद से लेकर सड़क तक अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति हो या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने का मुद्दा रहा हो, ऐसे कई मुद्दों पर राहुल गांधी अड़े रहते हैं और कहते हैं एक बार मैं मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। अब मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं। दो चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बबर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भग जाएगा। एक वक्त था जब बीजेपी राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करती थी, और आज वही राहुल गांधी बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और अब लगता है कि जनता भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को स्वीकार करने लगी है। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे दो बड़े राज्यों में जीत हासिल की, और अब 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव तो उन्हें विपक्ष की बारात का दूल्हा भी बता चुके हैं, और अपने आवास पर बुलाकर मटन भी खिला चुके हैं। ऐसी बात से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस ही नहीं विपक्षी एकता में शामिल पार्टियां भी अब उन्हें महत्व देने लगी हैं। बहरहाल, क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की डिप्टी कैंपेन मैनेजर रही स्टेफनी कटर से मुलाकात के बाद वाकई राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।